नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर महीने के राशिफल की और सिंह लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में आएंगे और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी है आपका सूर्य। सूर्य शुरू के जो कहते हैं ना कि 16 दिन तक आपके तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में, वो भी मंगल के साथ। तो इस परिस्थिति में सूर्य एक तो तुला राशि के अंदर नीचस्थ अवस्था में होते हैं, मगर फिर भी पराक्रम भाव में ये बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति देते हैं, आपके अंदर कोई भी परिस्थिति में लड़ने की क्षमता देते हैं। तो ये महीना कहीं पर भी लाइक आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा परिवर्तन से आपको कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में आप काम नहीं कर पाएंगे, मगर इतना जरूर कहूंगी कि थर्ड हाउस पराक्रम का है, तो पराक्रम में वृद्धि है, आपके इनिशिएटिव काफी स्ट्रांग रहेंगे। साथ साथ में सूर्य का जो भ्रमण है, एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस लेवल को 16 तारीख के बाद और भी ज्यादा बढ़ाएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो बुध बनकर आपके चतुर्थ भाव में, शुक्र केतु की अवस्था। देखिए, शुक्र द्वितीय भाव में हमेशा फायदेकारक परिस्थिति लेकर आते हैं और साथ साथ में फाइनेंशियल गेन लेकर आते हैं, तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी है। मगर केतु के साथ होने पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये परिवार के साथ आपका एक डिटैचमेंट करवाएगा, आपको एक विरक्ति दिलवाएगा, आपको लगेगा कि मुझे फैमिली वालों से बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या कहीं पर भी एक अटैचमेंट है, तो वहां पर डिटैचमेंट आएगा, यानी कि उनसे आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है, और स्पेशली फैमिली मेंबर्स की वजह से या परिवार वालों की वजह से। ये जरूर कहूंगी कि वाणी भाव में शुक्र जो है वो नीचस्थ अवस्था में है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपकी वाणी के अंदर, कहते हैं ना कि व्यक्ति के मन में बदले की प्रवृत्ति होती है, और व्यक्ति काफी कुछ कुछ चीजों में कुछ सुना देता है, तो सुनाने की प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि इस तरह की अवस्थाएं मुझे नजर आती है। बाकी फाइनेंशियल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी क्लैश हो, तो आई थिंक उसमें पड़ने में आपको कोई भी फायदा नहीं है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश शुक्र बनकर केतु के साथ, सूर्य नीचस्थ अवस्था में मंगल के साथ, तो ये क्लैश जो मैंने कहा कि परिवार के अंदर भाई बहनों के साथ होने की संभावना ज्यादा है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में शुरू के 16 दिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लैश की परिस्थिति है। कोई भी ज्वाइंट बिजनेस को आई थिंक आप अवॉइड कीजिएगा। अगर फैमिली बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं या नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आई थिंक उस चीज में आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बाकी टेक्निकल, जो भी लोग टेक्निकली जुड़े हुए हैं, उनके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। एचआर से कनेक्टेड लोग हैं, बहुत अच्छा है। कंसल्टिंग काम करते हैं या लॉ का कोई कार्य करते हैं, यानी कि जो लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी कहते हैं ना कि मुझे लगता है थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी कार्य के अंदर, मगर इतना जरूर कहूंगी कि शुरू के 16 दिन किसी भी प्रकार के क्लैश से आपको बचना चाहिए, अगर वो ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में हो तो। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश तृतीय भाव में और फिर मंगल बुध और सूर्य का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। 16 तारीख से 30 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए। हेरिडिटी से प्रॉपर्टी के अंदर लाभ है, फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा लाभ है। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। नए बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहते हैं, तो 16 से 30 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, और साथ साथ में एक तरह से कहा जाए प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो भी ये अवस्था बहुत ही बेहतर है।
यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो मेडिसिन के अंदर हैं, जो दवाइयों के अंदर हैं, या डॉक्टर्स हैं, दवाई का कोई कंपनी में काम करते हैं या खुद मेडिसिन का बिजनेस चला रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति है। जो स्टूडेंट डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए अवस्था बहुत फायदेकारक है। और 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत बेहतर है, क्योंकि आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है और ये चतुर्थ भाव में होने की वजह से मन के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और मुझे लगता है इसमें व्यक्ति को एक तरह से उसके एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही काफी स्ट्रांग होंगे और बुध के साथ, ये टेक्निकल यानी कि आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं, कि जहां उनको फायदा ही फायदा होगा हर कार्य के अंदर। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचमेश गुरु बनकर आपके भाग्य स्थान के अंदर है, और ये कैसी अवस्था है कि जहां पर अब अभी भी ये वक्र अवस्था में है, मगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे थे उनके अंदर एक डिस्ट्रैक्शन था, तो अब वो पढ़ने में काफी फोकस कर पाएंगे क्योंकि चांडाल योग खत्म हो चुका है। शेयर मार्केट के अंदर बहुत बेटरमेंट है और परिस्थितियों में आपको काफी अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए अब समय बहुत बेहतर है। ये गुरु का वक्र अवस्था में जो भ्रमण है वो टीचिंग क्षेत्र में है, प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड शनि बनकर सप्तम भाव में वक्री हो गए थे, मगर अब वो मार्गी है 4 तारीख के बाद, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी एक तरह से कहें कि बिजनेस के अंदर आप कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो वहां पर आपको बेटरमेंट मिलेगा, अब क्लैरिटी हो पाएगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, अगर इनिशियली कहें तो भी मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, तो शत्रु कहीं पर भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मुझे लगता है आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और हेल्थ की बात की जाए तो बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी बहुत घबराने की अवस्था नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं तो बिजनेस में काफी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के अंदर अगर कोई क्लैरिटी नहीं थी या कोई भी प्रकार का आपके कार्य नहीं बन रहा था तो वहां पर आपके कार्य बनेंगे। कुछ स्वग्रही अवस्था के हैं तो मंगल का दृष्टि संबंध 16 तारीख के बाद, यहाँ जो भी टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड कोई काम करते हैं, उनको काफी अच्छा लाभ है। जो एक तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर भी है, और स्पेशली कहा जाए कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ है। और अगर आप अपने पति पत्नी मिलकर कोई काम करते हैं तो वहां पर अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पार्टनरशिप की बात की जाए तो पार्टनरशिप फैमिली के साथ नहीं करनी, बाकी आप कहीं पर पार्टनरशिप करना चाहें तो कर सकते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश गुरु बनकर आपके वक्र अवस्था में और राहु यहां पर है। देखिए राहु अष्टम में आने पर डेफिनेटली कहूंगी कि शॉर्ट टर्म गेन की तरफ आप आगे बढ़ने से बचिएगा। बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां नुकसान होगा, और यहां पर अष्टमेश की परिस्थिति वक्र अवस्था में है तो एक तरह से नेगेटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगा, तो वो चीज से आपको बचना है। बाकी मेडिसिन रिसर्च के लिए बेहतर परिस्थिति है। राहु मन में संशय देता है, हर परिस्थिति को लेकर आपके मन में एक डाउट रहेगा, तो उस परिस्थिति से आपको बचना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश मंगल बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, पहले तृतीय भाव में फिर चतुर्थ भाव में, और गुरु का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर है, तो जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, विदेश जाकर जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, और उसके लिए स्पेशली जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है।
ये महीना स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ है, तो आगे बढ़ने में आपको काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टेंथ हाउस की। टेंथ लॉर्ड की अवस्था नीचस्त है, मगर उसका जो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, शुक्र का प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर परिस्थिति के अंदर है, तो इस वजह से बहुत डरने की परिस्थिति नहीं है। जॉब को छोड़ने की प्रवृत्ति आपको नहीं करनी चाहिए इस महीने। जॉब को एकदम से क्विट कर देना या छोड़ देने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो इस महीने मुझे लगता है रुक जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर बहुत ही नेसेसरी हो तो 16 तारीख के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार कर सकते हैं। सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के क्लैश से दूर रहिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में है, तो ये लाभ जो है स्पेशली इस महीने आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में आपको जो भी, अगर आप एजेंट भी हैं या कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं, तो इस महीने आपको इवन हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ मुझे नजर आता है। माता से भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे 16 तारीख के बाद। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड चंद्रमा है, विदेश यात्राओं के लिए ये समय बेहतर कहूंगी। विदेश जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ एक डेफिनेटली कहूंगी कि उसके पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, विदेश जाने के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें आपके लिए बेटरमेंट आएगा, तो बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अपने एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। कहीं पर भी थोड़ा डिले हो तो वहां पर आप शांति बना के रखिए। बाकी मुझे लगता है ये महीना अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, तो आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।